नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो उन्हें आप मेरे साथ करें। और एग्जाम अब आने वाले हैं, 30 तारीख को SST का एग्जाम है, 2 तारीख को साइंस का एग्जाम है, तो केवल एक छुट्टी है साइंस में, तो इसलिए साइंस को SST के साथ बनाए रखें। मैथमेटिक्स का एग्जाम 4 तारीख को है, तो मैथमेटिक्स को भी SST के साथ बच्चे जरूर बनाए रखना, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाना। SST का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता चला जाए, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए टाइम कम करते चले जाना है, बंद नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस में एक दिन की छुट्टी में केवल आप फॉर्मूला या कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, ज्यादा रिवीजन उसके बाद में नहीं होगा, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, ये करूं वो करूं, ये ना करूं वो ना करूं, तो इसलिए पहले से अपना प्लान स्ट्रेटेजी बना के रखना है। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बता देता हूँ, और अगर आपको इनके आंसर को बहुत डिटेल में जानना है तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, और उसमें आप जेईई नीट फाउंडेशन NTSC की कैटेगरी में मेरी रात को 11 बजे से 12 बजे क्लास होती है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप मेरे कोड से लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी हो जाएगा, और मेरा जो कोड है वो है RAM ROP, और 10% आपको यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। देखें फटाफट से मैं बता देता हूँ, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो मैंने काफी अच्छे रखने की कोशिश की है, तो इतनी तैयारी आपके लिए अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगी, थोड़ा सा इससे कम भी होगी तो चलेगी। स्मेल्टिंग, हालांकि ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका मेटल नॉन मेटल की मेटलर्जी पार्ट से है, मेटलर्जी पार्ट CBSE बोर्ड को नहीं है, लेकिन सभी बोर्ड के बच्चे इसे देखते हैं क्योंकि SSC बोर्ड में मेटलर्जी है, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी रखे हैं। तो मेटल के जो ऑक्साइड है, जब हम उसे हीट करते हैं और उस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं, तो उसमें हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो है कोक। मैं फटाफट से आंसर बता देता हूँ, और उसके बाद में अमलगम, आपने नाम बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा, अमलगम का जो एक मेटल है वो तो HG होता ही होता है, दूसरा जो मेटल है वो सोडियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन तो भाई निश्चित रूप से आने ही वाला है, आयनिक जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी को काफी रोटेट किया कि ज्यादा से ज्यादा CBSE में या पेपर या क्वेश्चन पेपर या पेपर सेटर इतना ही आपको घुमा सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो बच्चा 100% श्योर होकर चलेगा उसी ने अच्छी स्टडी की है और उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ध्यान रखना केवल पहला लेटर ना पड़े, इनसॉल्युबल कह के इसे रॉन्ग ना दे दे, हाई बॉइलिंग पॉइंट देख के इसे जरूर पढ़े, ठीक है ना, और सॉलिड स्टेट को जरूर पढ़े। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूं क्योंकि हमारे बच्चों को आदत होती है पहला शब्द पढ़ा और टूट पड़े आंसर की तरफ, तो वो आक्रमण ना करें, पूरा का पूरा सेंसिटिव रूप में पढ़ें। नॉन मेटल्स एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, डोनेट इलेक्ट्रॉन या नन ऑफ द अबव। आपको पता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं क्योंकि वो खुद रिड्यूस होते हैं, जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहां पर मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन लिया कि इनमें से कौन से मेटल है जो कंट्री डिफेंस में यूज किए जाते हैं, यानी कि आप ये समझिए कि स्ट्रेटेजिक मेटल्स हम इन्हें कहते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं वो आपका MN भी है, ZR भी है, और ये दोनों नहीं है, है ना, टाइटेनियम का भी यूज किया जाता है, तो क्रोमियम का भी यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखें H2 और Cl2 में जो हम यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह से भूमिका निभाता है वो आपकी डिफ्यूज सनलाइट होती है, तो काफी क्लोज आंसर आपके कुछ क्वेश्चंस में हो सकते हैं, सभी में ऐसा नहीं होगा, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन का खेल होता है बच्चे, और वहीं पर टॉपर और कम मार्क्स और ज्यादा मार्क्स, ये मैंने एक यहाँ पर एक कंपाउंड के बारे में, एक सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस दिया है, और फिर आपको बताना है कि भाई ये तो POP है, अच्छे तरीके से हम जानते हैं तो ठीक तरीके से समझ लें। एनहाइड्रस सॉल्ट जो होता है वो ही सॉल्ट होता है बच्चों, जानते होंगे, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं होते, और ये जो सॉल्ट है यहाँ भी इसके यूजेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये ब्लीचिंग पाउडर है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में देखें जरा क्वेश्चन, मैंने काफी कुछ थोड़ा सा एक्चुअली
चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो जल्दबाजी उसमें नहीं करेंगे, आराम से सोचेंगे, ठीक से करेंगे, उसके लिए टाइम निकालेंगे, बनाएंगे, तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। तो H2SO4 को मोनोप्रोटिक नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें है ये डाइप्रोटिक होता है, और ये तीनों नाम सेम ही है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगातार लेके आपके लिए आता रहूंगा, और इनको वीडियो को शेयर भी जरूर करें, सभी बच्चों के पास में ये सब क्वेश्चन पहुंच जाने चाहिए। और अगर आप रेगुलर या कॉम्प्रिहेंसिवली या फिर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो तुरंत आप अन अकेडमी के साथ जुड़ जाएं, अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, और मेरी फ्री क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।